पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी जंग नंदीग्राम विधानसभा सीट पर लड़ी जा रही है। सबसे हाई प्रोफाइल मानी जा रही इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं उनके खिलाफ बीजेपी नेता सुविंद्र अधिकारी ताल ठोक रहे हैं। यह सीट सिर्फ ममता बनर्जी के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ है। यही कारण है कि मंगलवार को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नंदीग्राम में रैली और रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई है। नंदीग्राम में मंगलवार को सुविंद्र अधिकारी के समर्थन में अमित शाह की रैली और रोड शो के दौरान जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। रोड शो में अमित शाह के वाहन के आगे पीछे हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक नजर आए। बीजेपी समर्थकों ने इस दौरान जय श्री राम के नारे तो लगाए ही, साथ ही ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कटमनी और तुष्टिकरण के आरोपों को लेकर भी जमकर नारेबाजी की। रैली में अपार भीड़ को देखकर उत्साहित गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि नंदीग्राम के लोगों ने रोड शो में जो अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है उसने तय कर दिया है कि सुविंद्र अधिकारी यहां बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। अमित शाह ने नंदीग्राम के लोगों से अपील भी की कि वे सुविंद्र अधिकारी को न सिर्फ जिताएं बल्कि इतने मार्जिन से जिताएं जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलग बात मंदिर एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दी। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह के रोड शो से टीएमसी खेमे में भी हलचल बढ़ गई है। शाह के ताकत प्रदर्शन के बाद इतना तो साफ हो गया है कि अगर यह भीड़ वोटों में तब्दील होती है तो बीजेपी बंगाल में टीएमसी का बड़ा नुकसान कर सकती है। नंदीग्राम को बीजेपी ने जहां इज्जत का सवाल बना लिया है, वहीं टीएमसी की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही यहां से चुनाव लड़ रही हैं। उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। सुविंद्र अधिकारी कभी टीएमसी में थे और ममता के बेहद करीबी भी माने जाते थे। विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में ममता और सुविंद्र के बीच नंदीग्राम में मुकाबला बंगाल चुनाव के सबसे रोचक मुकाबलों में गिना जा रहा है।